ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। जीवन में कभी भी कोई अच्छी घटना होने से पहले हमें कुछ संकेत मिलते हैं। जीवन में हम अगर बहुत दिनों से बुरे वक्त के साथ आगे जी रहे हैं और एक सकारात्मक और एक अच्छा परिवर्तन अगर हमारे जीवन में होने वाला है तो उससे पहले भी हमें कुछ संकेत मिलते हैं। इस वीडियो में हम उन संकेतों के बारे में बात करेंगे। उन संकेतों को आप समझ लो, जान लो, जिससे आप खुद ही अपने आप को ऑब्जर्व करके, खुद अपने आप को समझ कर ये बात समझ जाएंगे कि हमारा आने वाला वक्त, आने वाला जो समय है वो अच्छा होने वाला है। लेकिन कई बार हम नेगेटिविटी और नकारात्मकता में इतना डूब जाते हैं कि उन चीज़ों को, उन संकेतों को, उन अच्छी बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो इन बातों को अगर आप समझ लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि शायद आप अपने अच्छे वक्त को और अच्छे से, उस अच्छे वक्त को और अच्छे से जी पाएंगे और उस अच्छे वक्त के जो इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे हैं वो भी इंतजार आपका खत्म हो जाएगा। तो हम इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है मेरा आपसे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, जो भी नाम आपको अच्छा लगे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो कहीं भी कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम, जो नाम आपको अच्छा लगे वो जरूर लिखना। दोस्तों, अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ अच्छा पल या अच्छे दिन या जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आने की कोशिशें होती है या सकारात्मक समय आता है तो सबसे पहला संकेत हमें मिलता है खुद के अंदर से पॉजिटिविटी का होना। हमें स्वतः ही, हम कोई वजह नहीं होती खुशी होने की, लेकिन फिर भी हम खुश रहते हैं, हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें सकारात्मक फील करते हैं, हमें चीज़ें बहुत अच्छी लगती है आम दिनों के मुकाबले, चीज़ें एक पॉजिटिव वे में हम धीरे धीरे होते हैं। ये सबसे बड़ा संकेत है आपके जीवन में एक पॉजिटिव और एक सही समय आने का। अब इसमें एक जो बात है कि इसे आप स्वयं भी अनुभव के साथ कर सकते हैं, स्वयं भी प्रयासों के साथ कर सकते हैं। आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव किताबें पढ़ें, नेगेटिविटी से दूर रहें, खुद को सेल्फ मोटिवेट करें। इसको करने से जैसे आप खुद को पॉजिटिव करेंगे, खुद को जितना आप एनर्जेटिक, खुद को सकारात्मक समझेंगे उतना आपके आसपास का माहौल सकारात्मक होगी और आपके साथ जुड़ी हुई जितनी बातें वो भी आपको सकारात्मक ही परिणाम देगी। पॉजिटिव सकारात्मकता सकारात्मकता बनाती है और नकारात्मकता नकारात्मकता बनाती है, लेकिन नकारात्मकता भयानक नकारात्मकता बनाती है जो और गहरी जाती रहती है, और पॉजिटिविटी आपको ऊपर उठाती है, आपको आनंद आता है, आपको खुशी मिलती है और आपके पास एक सकारात्मक सोच हमेशा के लिए बना देती है। तो पहला तरीका ऐसा, इसे आप अपनाएं, इससे बहुत आपको फायदा होने वाला है। दूसरा है, आपको सपनों में ईश्वर के दर्शन होना, किसी मंदिर के दर्शन होना, शिवालय के दर्शन होना भी